हैं घिया की खीर। तो हम 1 किलो दूध में बना रहे हैं और यहाँ पे हमने आधी घिया ली है। हमारी घिया थोड़ी बड़ी थी, इसलिए अगर आप छोटी घिया ले रहे हैं तो पूरी लें। तो खीर बनाने के लिए हमें घिया को कद्दूकस करना है। सबसे बारीक जगह जो होती है कद्दूकस में, वहाँ से हम इसको कद्दूकस कर रहे हैं। बारीक छेद में से हम इसको कद्दूकस कर रहे हैं। तो हमारी घिया कद्दूकस हो चुकी है, बहुत बारीक हमने इसको कद्दूकस किया है। और ध्यान रहे घिया जो है वो पकी हुई ना हो, कच्ची घिया को ही हमें यूज़ करना है। कच्ची घिया से जो हमारी खीर है वो बहुत टेस्टी बनती है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको अब हम निचोड़ लेते हैं। तो हमने घिया को निचोड़ लिया है, इसका पानी हमने अच्छे से अलग कर दिया है। तो चलिए अब हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर घी डालना है। एक बड़ी चम्मच हमने इसके अंदर घी डाला है। अब हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से पकाना है तो हम इसको पका लेते हैं अच्छे से। बस इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी हमें सुखाना है इसका। तो अब सुखा लेते हैं इसका पानी। निचोड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो यहाँ पे हमें घी में फ्राई करके सुखा लेना है पानी को। घी पक चुकी है, पानी सूख गया है इसका और घी इसका ऊपर आने लग गया है। तो अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो दूध यूज़ किया है इसके अंदर, फुल क्रीम की 1 किलो दूध की हमने इसमें थैली डाली है। पानी इसके अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, दूध में ही पकाना है इसको। तो दूध हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, अब इसको हम पकने देते हैं। इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए, तब तक हमें खीर को पकाते रहना है। हमारी जो खीर है वो बॉईल हो रही है और ऐसे हमें इसे बॉईल होने देना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। ये बहुत ही इसी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। हमारा जो दूध है वो बॉईल हो के आधा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हमने 1 कटोरी शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे।
तो खीर के लिए यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स को कट नहीं किया है, बिना कट करे ही हमने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है। तो इसको अभी भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, जो हमारी शुगर है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने खोया लिया है खीर के अंदर ऐड करने के लिए, 50 ग्राम हमने यहाँ पे खोया लिया है। और खोया जो है आपकी चॉइस है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ना डालो तो नहीं भी डाल सकते इसको। तो अब इसके अंदर हम खोया जो है हमारा ऐड कर देते हैं। खोया अगर आप नहीं करेंगे तो भी खीर टेस्टी ही बनेगी, पर हम इसके अंदर खोया डाल रहे हैं। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए और पकाना है, फिर 10 मिनट बाद हमारी जो खीर है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो खीर है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब गैस को हम कर देते हैं बंद। देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमने 2-3 बादाम लिए थे, उनको हमने कट कर लिया है डेकोरेट करने के लिए। घिया की खीर बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।